Hello and welcome to Don Vosco school. In the first video we saw the first half of the chapter. And in this video we will be looking at the second half of the chapter. We will study the remaining chapter and then we will move to assessment. So let us start. So in this page we saw how a rider started drawing. How did our writer ne drawing ki starting kaise life

हमने देखा कि उनको उनकी ड्राइंग के लिए तारीफें कैसे मिली स्कूल में और थर्ड हमने देखा कि किस तरीके से हमारे राइटर के पास एक एबिलिटी थी एक टैलेंट था कि वो चीज़ों को नोटिस करते थे नेक्स्ट राइटर हमें अपने लाइफ से जुड़ी और भी चीज़ें बताते हैं सो लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पेज एंड यू शैल रीड विथ मी द राइटर राइट्स As far back as I can remember, the crow attracted me because it was so alive on the landscape. In our garden, it stood out black against the green trees, blue sky, red earth, and the yellow wall. Other birds are shy and they try to hide themselves, but the crow is clever. It can look after itself very well. so after telling us about the starting of his career or starting of his interest as an artist, writer in this paragraph tells us about some other things that interested him. वो और भी चीजों के बारे में बताते हैं जो उन्हें पसंद थी। writer says कि उन्हें crow बहुत पसंद था, उन्हें कौवा बहुत पसंद आता था, क्योंकि वो जब अपने आसपास अपने surroundings को, अपने landscape को landscape means द सीनरी अराउंड हेम जब वो अपने आसपास की सीनरी को सराउंडिंग्स को देखते थे तो वो उसमें काफ़ी अलाइव उसमें काफ़ी जीवित उसमें काफी जीवंत सा लगता था वो तरह कहते हैं कि क्रो का जो ब्लैक कलर था वो ग्रीन ट्री ब्लू स्काई रेड कलर की मिट्टी और येलो दीवार के सामने अलग सा हाईलाइटेड लगता था यानी कि आसपास ये सब वाइब्रेंट कलर्स थे ग्रीन ट्री थी स्काई ब्लू थी अर्थ यानी मिट्टी रेड थी और एक दीवार थी जो येलो कलर की थी इन सारे ब्राइट कलर्स के बीच में एक ब्लैक कलर का कौआ काफी अलग सा हाइलाइटेड रहता था इसलिए वो राइटर को काफी अट्रैक्टिव लगता था ना क्रो की अकली क्वालिटीज बताते हुए राइटर कहते हैं कि उन्हें क्यों पसंद आता था क्रो वो इसलिए था क्योंकि बाकी चिड़िया शर्मीली होती हैं बाकी चिड़िया छुपने की कोशिश करती हैं पत्तों के बीच पेड़ के बीच इधर उधर छुपने की कोशिश करती हैं बट क्रो बहुत चालाक होता है क्रो सबके सामने आता है सबके सामने रहता है और फिर भी खुद को सेफ रखता है यानी कि बाकी चिड़िया ख़ुद को सेफ़ रखने के लिए छुपती थी बट क्रो इतना क्लेवर होता है कि वो खुद को सेफ़ रखने के लिए सबके सामने ही रहता है वो सबके सामने रहता है और फिर भी सेफ रहता है तो इस बुद्धिमानी की वजह से भी क्रो उनको काफी पसंद आता था इन द नेक्स्ट पैराग्राफ रीड अलोंग विथ मी द राइटर राइट्स आई हैव नेवर ग्रोन आउट ऑफ दिस चाइल्डहुड फैसिनेशन फॉर द क्रो आई हैव पेंटेड हंड्रेड्स ऑफ क्रोज सिंगली एंड इन ग्रुप्स फ्रॉम नियर एंड फार and in many moods so now we know the two reasons why the writer found the crow attractive one was because the crow was very alive and it stood out against the background of his surroundings so the surroundings highlighted reason to the second reason was because the crow is very clever जहाँ बाकी चिड़िया शर्मा कर छुपती थी अपनी सेफ्टी के लिए क्रो सबके सामने रहता था और फिर भी खुद को सेफ रखता था तो ये उनका बचपन से क्रोज़ को लेकर एक फैसिनेशन था एक अट्रैक्शन था इन दिन हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर कहते हैं कि अब वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं लेकिन अभी भी उनका जो अट्रैक्शन है क्रोज़ के लिए या जो क्रोज उन्हें पसंद आते हैं उनकी ये पसंद उनका ये अट्रैक्शन अभी भी गया नहीं है अभी भी उन्हें क्रोज काफ़ी पसंद हैं वो कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे सौ से ज़्यादा कौओं की पेंटिंग बनाई है कहीं कि किसी पेंटिंग में सिंगल क्रो है किसी पेंटिंग में ग्रुप्स में क्रो है और किसी पेंटिंग में बहुत सारे अलग अलग मूड्स में हैं क्रो किसी में क्रो बहुत खुश हैं किसी में क्रोज़ बहुत गु़स्से में हैं किसी में क्रोज बहुत सैड हैं ऐसे क्रोज़ के अलग अलग मूड में उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं सिंगल पेंटिंग बनाई है ग्रुप में बनाई है तो क्रोज़ उन्हें अभी भी काफ़ी पसंद हैं ऐसा नहीं है कि उम्र के साथ उनके शौक़ या उनका अट्रैक्शन बदल गया

कौं को कभी कभी डाल देता हूँ कभी कभी मैं अपने कार्टून में कौों का कार्टून भी डाल देता हूँ और इनके कौवे की पेंटिंग इतनी फेमस हो गई है इतने ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं कि दूसरे देशों में लोग इनके कौओ की पेंटिंग ले जाकर अपने घरों में लगाते हैं एक पेंटिंग तो आइसलैंड नाम के कंट्री में लगी हुई है इतनी दूर जाकर कोई पेंटिंग लेकर लगाया है यानी कि इनका जो क्रोज के प्रति अट्रैक्शन है क्रोज के लिए फैसिनेशन है वो काफ़ी फेमस भी हो चुका है तो हमने देखा कि राइटर को बचपन से ही क्रोज कौए काफ़ी पसंद हैं और अब वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन क्रोज अभी भी उन्हें काफ़ी पसंद है इन द नेक्स्ट पैराग्राफ द राइटर टेल्स दैट वेन डिड ही डिसाइड टू बिकम एन आर्टिस्ट या फिर उन्होंने अपने इस पैशन को सीरियसली फॉलो कब करना शुरू किया कब उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे और कुछ नहीं करना मुझे एक आर्टिस्ट बनना है और वो इसके लिए क्या क्या करते थे कैसे उन्होंने अपने इस पैशन को बढ़ाया अपने इस शौक को आगे किया वी शैल हैव अ लुक वी शैल रीड विथ मी आई वॉज़ अबाउट नाइन और टेन वेन आई डिसाइडेड टू बी एन आर्टिस्ट I would cycle for 10 miles around our home to find interesting landscapes to paint. Mysore was a good place for this, full of trees, streams, hills and old ruins. I also learned a lot by looking at illustrations in foreign magazines. The cartoons were a special attraction. यानी कि जब हमारे राइटर ना नाइन या टेन इयर्स के थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे आर्टिस्ट बनना है वो लीफ वाला इंसिडेंट याद है आपको यू रिमेंबर दैट इंसिडेंट इन विच ही वॉज अप्रीशिएटेड बाई हिज टीचर फॉर ड्राॅइंग लीफ राइट तो वो काफ़ी छोटे थे बट जब वो नौ या दस साल के हो गए तब उन्हें लगा कि नहीं मुझे आर्टिस्ट ही बनना है और इसके लिए वो अपनी साइकिल लेते थे और अपने घर के आसपास 10-15 किलोमीटर तक साइकिल चला के जाते थे ताकि उन्हें कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सा नज़ारा कोई ब्यूटीफुल सी सीनरी कोई ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप दिखे जिसकी ड्राइंग वो बना सके या जिसकी पेंटिंग वो बना सके राइटर कहते हैं कि चूँकि उनका घर मैसूर में था तो मैसूर इसके लिए एक अच्छी जगह थी क्योंकि मैसूर में काफ़ी ग्रीनरी थी बहुत सारी नदियाँ थीं बहुत सारे पहाड़ थे और कुछ ओल्ड रूइंस यानी कि कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी कुछ पुराने खंडहर थे जिनको देखकर वो पेंटिंग बना सकते थे और इन सीनरीज़ के अलावा वो मैगज़ीन्स भी पढ़ते थे ही यूज़ टू रीड अ लॉट ऑफ मैगजीन्स जिसमें बहुत सारी ड्राइंग्स, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स बहुत सारे कार्टून्स निकलते थे जिनको देखकर वो उनकी ड्राॅइंग्स बनाते थे और इन मैगजीन्स में जो कार्टून थे इनको देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था वो काफ़ी अट्रैक्टेड होते थे कि वाह कितने कलरफुल कार्टून्स हैं मैं इनके ड्राइंग्स बनाऊंगा। तो वो अपने आसपास की सीनरी को देखते थे साइकिल लेकर निकल जाते थे उनकी पेंटिंग्स बनाते थे या फिर इन मैगजीन्स में जो कार्टून्स, जो फोटोग्राफ्स जो एलस्ट्रेशन ये सब आते थे इनकी भी ड्राॅइंग्स बनाते थे तो जब उन्होंने ये ड्राॅइंग्स बनाना स्टार्ट या छोटे लेवल पर कार्टून बनाना स्टार्ट किए तो धीरे धीरे इनके करियर को एक पुश मिलने लगा इनका करियर धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा लेकिन ये अभी भी थे बच्चे ही ये छोटे थे लेकिन आसपास के एरियाज में इनका नाम होने लगा था सो इन द नेक्स्ट लाइन द राइटर सेज आई बिगैन टू ड्रॉ कार्टून्स एंड फाउंड द लोकल पेपर्स विलिंग टू पब्लिश दैम आई मस्ट हैव डन वेल बिकॉज आई वॉज आज टू ड्रॉ पोस्टर्स टू फॉर द डिफेंस प्रोग्राम एंड फॉर एडल्ट एजुकेशन आई अर्न माई पॉकेट मनी एंड नेवर हैड टू ट्रेवल माई पेरेंट्स फॉर इट राइटर कहते हैं कि जब मैं अपने आस पास की साइक आस पास की चीज़ों को देख कर सीनरी बनाने लगा पेंटिंग्स बनाने लगा या उन मैगज़ीन्स में से मैं फ़ोटो निकाल कर बनाने लगा तो धीरे धीरे लोगों को मेरे टैलेंट के बारे में पता चलने लगा आसपास चर्चा होने लगी कि इस नाम का एक बच्चा रहता है जो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है तो उस एरिया के जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे जो लोकल अखबार थे उस एरिया में जो आते थे उन्हें भी इनके बारे में पता चला कि अच्छा ऐसा बच्चा है जो ड्राइंग बनाता है उन पेपर वालों ने इनकी ड्राइंग देखी और उन्हें काफ़ी पसंद आई और उन्होंने इनकी ड्राइंग को अपने पेपर में छापा भी तो एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि कि उनके आर्ट को या उनके टैलेंट को कोई न्यूज़ पेपर या कोई ऐसी बड़ा कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म उसको पब्लिश करे तो एक लोकल न्यूज़पेपर ने राइटर के ड्राइंग को छापा एंड राइटर सेज़ कि उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा या उनकी ड्राइंग्स पक्का अच्छी ही रही होंगी क्योंकि पेपर में ड्राइंग छपने के बाद गवर्नमेंट का एक डिफेंस प्रोग्राम था को गवर्नमेंट का डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम था इन्हें इसके लिए पोस्टर बनाने को भी बोला गया और एडल्ट एजुकेशन बड़ों की जो एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम था सरकार का उसके लिए भी इन्हें ड्राइंग्स बनाने को बोला गया यानी कि धीरे धीरे करके हमारे राइटर का नाम एज अ कार्टूनिस्ट या एज एन आर्टिस्ट वो धीरे धीरे फैलने लगा लोकल न्यूज़पेपर जान गया वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ जो थी उन्होंने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए इनके ड्राइंग को इनके कार्टून्स को इनके टैलेंट को यूज़ करना स्टार्ट किया और इसके लिए उन्हें थोड़े पैसे मिलते थे न्यूज़पेपर छापने के लिए उन्हें पैसे देता था या yeah, ये अथॉरिटीज़ जो प्रोग्राम्स के लिए इनसे पोस्टर बनवाते थे उसके लिए इन्हें पैसा मिलता था तो इस तरीके से वो पैसे इनकी पॉकेट मनी हो जाते थे ही सेज़ आई अर्न माई पॉकेट मनी एंड नेवर हैड टू ट्रबल माई पेरेंट्स फॉर इट इन्हीं पैसों से वो अपनी पॉकेट मनी बना लेते थे और अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करते थे उनके पेरेंट्स को एक बर्डन कम हो गया था कि हमें अब अपने बच्चे को पॉकेट मनी नहीं देनी है वो खुद से ले आएगा अब बचपन में इन्हें एक पुश मिल गया था लोकल न्यूज़पेपर्स और लोकल एरिया में इनका काफ़ी नाम हो गया था बट एज ही ग्रू अप हिज ब्रदर वॉज आर के नारायण रिमेम्बर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी हैड टॉक्ट दैट दिस स्टोरी इज अबाउट आर के लक्ष्मण दैट इज आवर राइटर एंड हिज ब्रदर आर के नारायण हु वॉज अ राइटर वो कहानियाँ लिखते थे आर के लक्ष्मण कार्टून्स बनाते थे और आर के नारायण कहानियाँ लिखते थे तो जब ये थोड़े उम्र में बड़े हुए आर के लक्ष्मण साहब थोड़े बड़े हुए तो इनके भाई की कहानी एक न्यूज़पेपर, द हिंदू में छपी द हिंदू न्यूज़पेपर में नारायण की कहानी छपी और कैसे कैसे इनके कार्टून को या इनके कार्टून्स को एक पुरश मिला वी शैल हैव ए लुक इन दिस पैराग्राफ writer the he says when narayan's stories began to get published in the hindu madras he asked me to illustrate them i knew exactly what he wanted and whom he had in mind for his characters didn't we belong to the same place hadn't i spent hours in every spot around us including the busy market square

वो आर के लक्ष्मण साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम मेरी स्टोरीज़ को इलस्ट्रेट करो इलस्ट्रेट मतलब कि उसमें पिक्चर्स ड्रॉ करके दो कार्टून्स ड्रॉ करके दो ताकि कहानियाँ समझने में आसानी हो लोगों को ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि स्टोरी में कहना क्या चाहते हैं हम सब ने ये सब देखा है है ना स्टोरी के साथ साथ उसके राइट हैंड साइड या साइड पर पिक्चर्स दी होती हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो as यू कैन सी इवन इन दिस चैप्टर द फोटो ऑन your स्क्रीन राइट नाउ इज ऑफ आर के लक्ष्मण तो हमें समझ में आता है ये फोटोज और ये कार्टून्स देखकर कि बात किसके बारे में की जा रही है स्टोरी में तो आर के नारायण साहब ने आर के लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरी स्टोरीज में कार्टून बनाकर दो उन्हें इलस्ट्रेट करो आर के लक्ष्मण साहब आगे कहते हैं कि ये मेरे लिए काफी आसान सा काम था क्योंकि मुझे पता था कि उसे क्या चाहिए या उसके दिमाग में कौन कौन से कैरेक्टर्स चल रहे हैं क्योंकि तो अल्टीमेटली थे तो वो उनके भाई ही और एक भाई को भाई से अच्छा कौन समझ सकता है दिस इज़ वॉट अ राइटर सेज ही राइट्स आई न्यू एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड एंड होम ही हैड इन माइंड यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये भी मुझे पता था क्योंकि हम दोनों एक ही जगह से आते थे और हम दोनों ने अपने आसपास के एरियाज में बराबर का टाइम स्पेंड किया था तो मेरे लिए समझना यह काफी आसान था कि आर के नारायण को अपनी स्टोरीज में कैसी ड्राॅइंग्स चाहिए कैसे कार्टून्स चाहिए इन द नेक्स्ट लाइन द राइटर सेज एज आई ड्रू हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स आई पिकड अप द टेक्निक्स क्वाइट नेचुरली टेक्निक्स मतलब प्लीज लुक एट द बॉटम ऑफ योर पेज इन द वर्ड मीनिंग सेक्शन टेक्निक्स हेयर मीन वेज ऑफ ड्राॅइंग पिक्चर्स यानी कि पिक्चर्स ड्रॉ करने का जो तरीका होता है उसको यहाँ पर टेक्निक बोला गया है इन जनरल टेक्निक मतलब किसी भी चीज़ को करने का तरीका तो आर के लक्ष्मण साहब कहते हैं कि उन्होंने जब अपने भाई के लिए भाई की स्टोरीज के लिए कार्टून बनाने स्टार्ट किए तो धीरे 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 उनकी टेक्निक जो है वो और अच्छी होती गई और कार्टून बनाने का जो तरीका था वो उन्होंने खुद ही उठा लिया था खुद ही वो टेक्निक उन्होंने पकड़ ली थी यानी कि अपना एक अलग तरीका इन्होंने बनाया था कार्टून बनाने का जो कि बाकियों से काफ़ी अलग था इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज ट्रायल एंड एरर टॉट मी टू यूज ब्रश एंड पेंट एंड इंक अब चूंकि इनका तरीका काफ़ी अलग था तो ये नॉर्मल आर्टिस्ट्स या नॉर्मल कार्टूनिस्ट की तरह ब्रश पेंट यूज़ नहीं करते थे बट अगर आपको सक्सेसफुल बनना है या आपको बड़े प्लेटफॉर्म पर कार्टून्स बनाने हैं तो पेंट ब्रश ये सब यूज़ करना आना चाहिए तो पेंट और ब्रश यूज़ करने का जो तरीका है या उसकी जो कला है वो इन्होंने कहीं से सीखी नहीं इन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखी ही राइट्स ट्रायल एंड एरर टॉट मी तो ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या होता है अगेन लुक एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन ट्रायल एंड एरर मीन्स द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाई ट्राइंग वेरियस मेथड्स अंटिल यू फाइंड अ मैथड दैट इज सक्सेसफुल यानी कि किसी चीज को सीखने के लिए आप खुद उसको करना स्टार्ट करिए और आप गलतियाँ करते जाइए करते जाइए करते जाइए उन गलतियों से सीखकर आप परफेक्ट एक सक्सेसफुल मेथड निकाल लेते हैं उसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर फॉर एग्जांपल अगर किसी को रोटी बनानी नहीं आती तो या तो वो किसी से सीख सकता है या फिर वो घर में अकेले हो वो खुद ही आटा निकाल कर आटा गूँथे फिर उसको बेले और फिर उसकी रोटी सीखे तो वो शुरू में गलतियाँ करेगा फिर उन गलतियों से सीख कर धीरे 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 करके आफ्टर प्रैक्टिसिंग टाइम एंड अगेन वो उसमें परफेक्ट हो जाएगा दिस इज़ कॉल्ड ट्रायल एंड एरर यानी आप पहले ट्रायल करेंगे पहले आप ट्राई करेंगे फिर आप एरर करेंगे फिर आप गलतियाँ करेंगे और फिर आप सीख जाएंगे तो राइटर ने भी खुद से पेंट ब्रश और इंक का इस्तेमाल करना शुरू किया उन्होंने अपनी गलतियों से खुद सीखा विच इज़ कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड और फिर जब उन्होंने धीरे धीरे अपने कार्टून्स में अपने पेंट ब्रश और इंक की टेक्निक में और परफेक्शन ले आया और अच्छा कर लिया तो आर के नारायण जो उनके भाई थे उनके अलावा बाकी राइटर्स ने भी इनसे कांटेक्ट किया कि लक्ष्मण साहब आप हमारी भी स्टोरीज़ में कार्टून्स बनाइए तो वी कैन सी हियर कि हमारा राइटर कैसे धीरे धीरे करके फेमस होता जा रहा था उन्होंने स्टार्ट किया था एक लोकल न्यूज़पेपर से अभी वी सॉ इट ऑन द लास्ट पेज लोकल न्यूज़ से फिर वो द हिंदू न्यूज़ पेपर बड़े न्यूज़ पेपर में आए आर के नारायण की स्टोरीज के अलावा फिर बाकी राइटर्स की स्टोरीज में भी वो अपने कार्टून देने लगे सो आर राइटर्स करियर एज अ कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण करियर एज अ कार्टूनिस्ट है उनका थोड़ा बहुत नाम आस पास के एरियाज में मैसूर शहर के बाहर भी साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत नाम हो गया था एज अ कार्टूनिस्ट बट वो इतने बड़े कार्टूनिस्ट कैसे बने कि साउथ इंडिया के अलावा पूरा इंडिया उन्हें जान गया आज ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कार्टूनिस्ट ऑफ इंडिया वो एक रीजन से निकल कर पूरे इंडिया में अपना नाम कैसे कर गए दिस इज वॉट द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड अलोंग विथ मी

फिर इन्हें लगा कि अब थोड़ा और बड़ा करना चाहिए थोड़ा और आगे चलना चाहिए उसके लिए वो अपना घर छोड़कर न्यू दिल्ली, दिल्ली में शिफ्ट हो गए उन्होंने वहाँ पर न्यूज़पेपर्स में अप्लाई किया कार्टूनिस्ट की जॉब के लिए वो हर न्यूज़पेपर के ऑफिस में गए और उन्होंने बोला कि मैं आपके न्यूज़पेपर में एज़ अ कार्टूनिस्ट काम करना चाहता हूँ मैं आपके पेपर में कार्टून छापना चाहता हूँ तो एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है द हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स में जब इन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने आर के लक्ष्मण को मना कर दिया उन्होंने कहा कि आप अभी न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट बनने के लिए बहुत छोटे हैं आपकी उम्र बहुत छोटी है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है हमें एक्सपीरियंस कार्टूनिस्ट चाहिए द हिंदुस्तान टाइम्स टोल्ड हिम दैट ही वॉज टू यंग टू बी ए न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट तो इस बात से वो थोड़ा सा निराश हुए थोड़ा सा सैड हुए और दिल्ली से फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए वो बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में दो न्यूज़पेपर्स के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया वहाँ पर दो न्यूज़पेपर्स में उन्हें कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई वन वाज द ब्लिड्स एंड द सेकंड वन वाज द फ्री प्रेस जर्नल ब्लिड्स और फ्री प्रेस जर्नल में उन्हें काम मिल गया अपनी आगे की जर्नी बताते हुए द राइटर राइट्स बेसाइड्स कार्टून्स आई डिड कॉमिक स्ट्रिप्स टेलिंग द स्टोरीज ऑफ तंत्री द मजिशन एंड अदर हीरो वेरी सुन आई मिड अ नेम फॉर माई सेल्फ एंजॉइंड अ बिग इंग्लिश न्यूज पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया अपनी जर्नी के बारे में आगे बताते हुए वो कहते हैं कि हाँ मैं द ब्लिड्स और फ्री प्रेस जर्नल के लिए तो कार्टून बनाता ही था मैंने खुद की कार कार्टून या कॉमिक स्ट्रिप्स बनानी स्टार्ट की आप अगर न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में कॉमिक स्ट्रिप्स निकलती हैं छोटे छोटे कार्टून्स की स्टोरीज निकलती हैं रोज़ तो आर के लक्ष्मण साहब ने भी ऐसे ही कॉमिक स्ट्रिप निकालनी शुरू की खुद की जिसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताना शुरू किया जैसे वी मस्ट हैव हर्ड अबाउट वेरियस कैरेक्टर्स लाइक चाचा चौधरी एट्सेट्रा इसी तरीके से उन्होंने एक कैरेक्टर शुरू किया तंत्री तंत्री द मैजिशियन वो एक जादूगर की कहानी बताते थे और बाकी सारे हीरोज़ की कहानी उन्होंने अपने कॉमिक्स ट्रिप में बतानी स्टार्ट करी फिर वो कहते हैं कि उनका असली नाम उनके करियर का जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट था सबसे हाई पॉइंट था वो तब था जब उन्होंने एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया एज अ कार्टूनिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है आज भी वो काफी बड़ा न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर के लिए उन्होंने अप्लाई किया टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्हें एज अ कार्टूनिस्ट एम्प्लॉय कर लिया अब टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका क्या सफर रहा आइए देखते हैं ही राइट्स, फॉर फोर्टी सेवन ईयर्स आई हैव बीन ड्रॉइंग कार्टून फॉर इट्स फ्रंट पेज अ स्टैम्प वॉज ब्रॉट आउट टू सेलिब्रेट द वन हंड्रेड एंड ईयर ऑफ दिस न्यूज पेपर एंड द पिक्चर ऑन इट वॉज वन ऑफ माई कार्टून्स टाइम्स ताँ, ऑफ इंडिया में आर के लक्ष्मण साहब का करियर इतना सक्सेसफुल रहा कि आज उन्हें उस न्यूज़पेपर में काम करते हुए 47 सेवन ईयर्स हो गए हैं और आज भी फ्रंट पेज पर आर के लक्ष्मण साहब का कार्टून निकलता है अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पेपर उठा कर देखें तो बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में लेफ़्ट में नीचे की तरफ उनके कार्टून आज भी छपते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर उनके करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा और टाइम्स ऑफ इंडिया में आकर उन्हें एक ऑल ओवर इंडिया पहचान मिली सारे इंडिया में लोग उन्हें जान गए और जब टाइम्स ऑफ इंडिया अपना वन हंड्रेड ईयर मना रहा था यानी जब टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूजपेपर को निकले हुए 150 हंड्रेड हो चुके थे तो इस न्यूज़पेपर के लिए एक स्टैम्प एक पोस्टल स्टैंप जारी किया गया वो स्टैंप जो हम लेटर्स पर और चिट्ठियों पर लगाकर पोस्ट करते हैं वैसा एक स्टैंप जारी किया गया टू सेलिब्रेट इट और उस स्टैंप पर जो कार्टून था वो भी आर के लक्ष्मण साहब का ही था सो वी कैन सी कि हाउ ही एट वन पॉइंट ऑफ हिज करियर ही वॉज रिजेक्टेड बाय द हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स भी एक बड़ा न्यूज है एंड ही वॉज रिजेक्टेड But he did not lose hope and he kept on working and working and working. And at the end, he was employed by the Times of India. And he has been working for 47 years there, which is a big, big achievement. In the closing paragraph, now the writer tells us about a few of his reflections. <laughs> We will share in the last paragraph. Shall read with me. Yes, I have worked very hard and long, but I have not forgotten that you can see the world through the pieces of colored glass. Nor have I lost my love for those noisy black birds which are always around us, managing to survive. I continue to paint crows. विथ एज मच एंजॉयमेंट एज आई डेड ऑन दोज लॉन्ग एगो डेज ऑफ केयर फ्री चाइल्ड हुड ईच डे वॉज एक्साइटिंग एंड एवरी आर ब्रॉड एडवेंचर यानी कि आर के लक्ष्मण साहब अपनी सक्सेस का राज बताते हुए कहते हैं कि हाँ मेरी सक्सेस का राज या मेरे सक्सेसफुल होने का सीक्रेट है दट आई हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड लॉन्ग मैंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है और बहुत लंबा काम किया है यानी कि इफ़ यू हैव टू अचीव सक्सेस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस यू हैव टू वर्क हार्ड देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क लेकिन अगली ही लाइन में वो कहते हैं कि मैंने वो कलर्ड ग्लास पीसेस के थ्रू दुनिया को देखना भूला नहीं है मुझे अभी भी याद है कि किस तरह मैं बचपन में उन कलरफुल शीशे के टुकड़ों से दुनिया को देखता था और ना ही मुझे वो कौवे भूले हैं वो क्रोस भूले हैं जिनकी ड्राइंग में बनाया करता था और मैं आज भी उतनी ही खुशी से ड्राइंग बनाता हूँ जितना मैं बचपन में बनाया करता था जब मेरे लिए हर एक दिन एक नया एक्साइटिंग एडवेंचर होता था यानी कि वो कहते हैं कि बचपन में जिस खुशी के साथ जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं क्रोज़ की पेंटिंग और कलर ग्लास से देखता था आज भी मैं उतने ही एक्साइटमेंट के साथ क्रोज़ की ड्राइंग बनाता हूँ यानी कि वट द राइटर वॉन्ट्स टू टेल अस हेयर इज दैट एवरी चाइल्ड शुड इमेजिन इफ़ यू गो बैक टू द फर्स्ट पेज ऑफ आर स्टोरी वी सॉ हाउ ही वॉज वेरी सरप्राइज एंड ही वॉज ऑस्ट्राक ही वॉज वेरी सरप्राइज बाई द वे वर्ल्ड अपियर्ड फ्रॉम द कलर्ड ग्लास पीसेज तो कलर्ड ग्लास पीसेस में से वो जब देखते थे तो अलग अलग चीज़ों को इमेजिन करते थे आई होप यू रिमेम्बर वो ब्लू से देखते थे तो उन्हें दुनिया डरावनी लगती थी वो ग्रीन से देखते थे तो दुनिया बहुत खुश लगती थी तो राइटर वॉन्ट्स टू टेल एस कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है कुछ बड़ा करना है मेजिन यू शुड हैव एन इमेजिनेशन पावर आपको सोचना आना चाहिए आपको अपनी एक दुनिया बनानी चाहिए जिसमें आप चीजों को इमेजिन करो अपने दिमाग को खोलो एंड हिज जर्नी एज अ कार्टुनिस्ट स्टार्टेड विद दो कलर्ड ग्लास पीसेस वहां से उन्होंने इमेजिन करना स्टार्ट किया देन ही स्टार्टड स्क्रिबलिंग बाई द बर्न पीसेस ऑफ वुड एंड देन ही स्टार्टेड ड्राॅइंग कार्टून्स एंड सीनरीज अराउंड हिम, उसके बाद वो आर के लक्ष्मण अपने भाई की स्टोरीज में इलस्ट्रेशन देना स्टार्ट किया कार्टून्स बनाने स्टार्ट किए फिर द हिंदू न्यूज़पेपर से वो रिजेक्ट हुए फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया में आकर सक्सेसफुल हुए यानी कि इस स्टोरी में राइटर हमें दो तीन लेसन्स बताना चाहते हैं द फर्स्ट वन विच वी है ऑलरेडी डिस्कस्ड इज दैट वी ऑल शुड इमेजिन वी ऑल शुड है ड्रीम वी ऑल शुड ड्रीम द सेकेंड इज दट वी ऑल हैव टू वर्क हार्ड बचपन से ही उन्हें कार्टून्स बनाने का शौक था लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कार्टून्स बनाना स्टार्ट किए तो ही वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस कार्टून्स बनाते ही उन्हें फेम मिल गया वो पूरे इंडिया में पहचाने जाने लगे उन्होंने स्ट्रगल किया उन्होंने धीरे धीरे लोकल न्यूज पेपर फिर द हिंदू न्यूज़ पेपर फिर हिंदुस्तान टाइम्स फिर द ब्लेड्स और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया इतनी लंबी जर्नी तय करके वो सक्सेसफुल हुए सो द सेकेंड लेसन फ्रॉम द स्टोरी इज दैट वी हैव टू वर्क हार्ड एंड द थर्ड लेसन दैट वी गेट इज दैट वी ऑल शुड फॉलो आवर पैशन रिमेंबर इन अ सेक्शन द राइटर ऑस टेलिंग इज दैट ही वॉज नॉट एट ऑल अ गुड स्टूडेंट वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे तो अगर वो बाकी बच्चों की तरह प्रेशर में आकर एक डॉक्टर एक इंजीनियर या ऐसे नॉर्मल से सपने देखते तो क्या वो आज इंडिया के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट बन पाते ही डिड नॉट फॉलो द जनरल स्ट्रीम दैट वॉज फ्लोइंग उन्होंने जनरल लोग जो कर रहे थे बाकी सारे लोग जो कर रहे थे उसको फॉलो नहीं किया कि अच्छा ये मैथ्स लेके जा रहा है या ये साइंस पढ़ रहा है तो मैं भी साइंस ही पढ़ूंगा ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज विच ही राइट्स हिज पैशन वॉज ड्रॉइंग उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया एंड इवेंचुअली ही बिकेम इंडियाज बिगेस्ट कार्टुनिस्ट सो दर्ड लेसन इज दैट वी हैव टू फॉलो आर पैशन अगर आप अपना पैशन ईमानदारी से फॉलो करेंगे हार्डवर्क के साथ फॉलो करेंगे इमेजिनेशन के साथ फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे दीज आर द थ्री लेसन्स दैट वी ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी with this the chapter comes to an end in the next section we will go through an assessment we will go through an exercise you are supposed to solve this exercise and send to us on whatsapp we will check and send you back the reviews you will this in your english notebook me is exercise to solve karenge इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन का आंसर लिखकर आप हमें व्हाट्सएप पर भेजेंगे हम उसको चेक करके आपको दोबारा भेजेंगे सो लेट अस हैव अ लुक एट द एक्सरसाइज दिस इज द एक्सरसाइज दैट वी विल गो थ्रू से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि इन दस क्वेश्चन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है Cons of false. We will go through the first one and you will solve the rest remaining problems. The first question is Lakshman noticed his surroundings for the first time when he looked at things through the bits of colored glass. This statement is true or false? Can you tell? Obviously, this statement is true r. k. lakshman clearly writes that when he looked the world through the bits of coloured glass pieces, it was the first instance of his communication with his surroundings. we had discussed it right. so this statement is true. in this way, you have to answer the remaining nine questions. Write them in your notebook and copy these statements in your notebook and write whether these statements are true or false. Click their pictures and send to us on WhatsApp. We will check your notebooks and send you back with reviews. Thank you. And please like, share, and subscribe our YouTube channel and press the bell icon for further updates. Thank you.